बड़े दिनों के बाद फैसला। मनोज जी कितने बरसों बाद फैसला आया काम का। वाह, और आपकी तालियां जरूर खुल जाए आगे की लाइन सुनने के बाद। कितने बरसों बाद फैसला आया काम का, अब बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का। अब बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का। ओ बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, सारी दुनिया से पावन अयोध्या राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। खुशी सारा देश है, ऐसा जजमेंट हुआ कट गया कलेश है। सुप्रीम फैसले से खुशी सारा देश है, ऐसा जजमेंट हुआ कट गया कलेश है। खत्म सारा केस सब झगड़ा सुबह शाम का, खत्म सारा केस सब झगड़ा सुबह शाम का। अब बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का। अब बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, ओ सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, ओ सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। चौपाई हमारे साथ ही बजा रहे हैं मेरे इस गीत पर। हमारे हरियाणा से साथ चल के आए भाई भरतलाल सरपंच साहब और भाई वीर सिंह आर्य जी पूर्व सरपंच साहब, दोनों की तरफ से 500-500 रुपए इस गीत पे दिए गए हैं। एक जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए। बड़ी सुंदर रामायण की चौपाई तुलसीदास जी के द्वारा लिखित आपके बीच में हमारे हारमोनियम मास्टर जी गुनगुना रहे हैं। जरा सुनिए दो लाइन मैं भी सुना दे दूं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम मेहरबानों, आज भी इस देश में अनेक तरीके की विचारधाराएं रहती हैं। आज अगर कोई दूसरे पक्ष का व्यक्ति कहे कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ, कहीं तक ठीक हो सकता है, लेकिन हे सरदारों, जो अपने आप को चाहे आर्य कहता है चाहे हिंदू कहता है, अगर उन हिंदू जो लिखता हो और वो भी ये कहे कि ये फैसला सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलो फिर जीने का अधिकार रह गया। बिल्कुल ही कलम कर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि कैमरे पे मैं तो बोल नहीं सकता, मजबूरी है। लेकिन सजनों, यहां
दो लाइन थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन एक लाइन जोड़ी गई थी और वो सार्थक नहीं हुई। जोड़ी एक व्यक्ति ने लेकिन सार्थक नहीं हुई, कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन सार्थक नहीं हुई। उन लोगों ने नहीं माना, हे मेरे विद्वान लोगों, हे राम के वंशजो, अगर राम का अस्तित्व मिट गया तो फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचा, हिंदुस्तान खत्म मान लीजिए। अगर राम है तो हिंदुस्तान है, और राम ही नहीं, रामलला जहां जन्मे वो पावन भूमि है, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। लेकिन और सारे कार्य हुए हो ना हुए हो, लेकिन रे लोगों, दो कलंक जरूर मिटे हैं, एक तो 370 का खात्मा हुआ, ये गौरव की बात है, और एक रामलला का मंदिर बनेगा, ये भी गौरव की बात है। इसलिए मैं अपनी सरकार की प्रशंसा करता हूँ। श्री बहादुर सिंह जी पलसेड़ा से भगवान राम मंदिर के इस गीत पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दे करके श्री बहादुर सिंह जी पलसेड़ा मान सम्मान करते हैं। पलसेड़ा वालों का धन्यवाद। आर्यव्रत देश हमारा, आर्यव्रत देश हमारा, राम की संतान है, धरातल पर राम जैसा हुआ ना महान है। आर्यव्रत देश हमारा, राम की संतान है, धरातल पर राम जैसा हुआ ना महान है। श्रेष्ठ, अरे श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण है, श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण है, इनके पैगाम का श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण है, इनके पैगाम का। और दोनों हाथ की तालियों से, अब बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का, अब बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का। ओ बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करता हूं, जिस प्रकार से शिवालय को तोड़ करके ताजमहल बनाया गया, साथियों आज मंदिर बनने जा रहा है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है और होनी भी चाहिए। हम सब राम की संतान हैं, और ये लोग जो लोग कुछ पच रहे हैं ना उधर, ये भी कायर राम की ही संतान है, लेकिन ये कायर हो गए, परिवर्तित हो गए। एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा परिवर्तन किया, लेकिन रे लोगों, 700 साल हम मुगलों के और 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन फिर भी आज भी तुम राम और वंशज के लोगों जिंदा हो, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी देन है, नहीं तो इतनी बड़ी गुलाबी में लोग बदल जाया करते हैं। आइए योगी जी से एक विनती करता हूं, मंदिर कैसा बने ऐसा बने, एक लाइन में सुनिए। कैसा ऐसा बना में मंदिर देखेगा जमाना, आठवां अजूबा होगा राम आसियाना। ऐसा बना मे मंदिर देखेगा जमाना, आठवा अजूबा होगा राम आसियाना। और क्या होगा वहां पे, क्या वेद मंत्र के साथ जाप हो पावन नाम का, वेद मंत्र के साथ जाप हो पावन नाम का। अब बने अयोध्या
मंदिर श्री राम का, हम बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। सबसे पहले इस भूमि पे विवाद कब चला कोई बता सकता है? बता रहा हूं, इस पे हजारों बार लड़ाई हुई है, हजारों बार। और एक बात और बता दूं आपको, लाखों हिंदुओं का खून बहा है जो जमीन आज मंदिर के लिए मिली है। 1600 ईस्वी में 1500 के बाद कब्जा इस पे 1500 से शुरू हुआ, लेकिन 1500 में हमारे पूर्वजों ने नहीं दी, 1600 में ये हमसे अलग हो गई। कभी उनका कब्जा रहा, कभी हमारा कब्जा रहा, कभी उनका कब्जा रहा, कभी हमारा कब्जा रहा, इस तरह से ये विवाद चलता आया है। लेकिन आज आते 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 9 नवंबर 2019 ये पावन दिन भारत के इतिहास के है कि ये फाइनल हुआ कि अब यहां कुछ नहीं रहेगा, यहां सिर्फ और सिर्फ रामलला का मंदिर रहेगा। आइए सुनिए। रामलला पे संशय रहा ना जरा सा, राम के भक्तों की पूरी हुई आशा, राम लला पे संशय रहा ना जरा सा, राम के भक्तों की पूरी हुई आशा, जन्मभूमि पे फिर से वासा, जन्मभूमि पे फिर से वासा हो घनश्याम का, जन्मभूमि पे फिर से वासा हो घनश्याम का, बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का, वो अब बने अयोध्या के अंदर मंदिर श्री राम का, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। और मेरे छोटे भाई अजीज भाई सोनू बेनीवाल जी जवान से चल के आए हैं, और भगवान राम मंदिर निर्माण के इस गीत पर, सुप्रीम फैसले के इस गीत पर 100 रुपये से सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी श्री अमर सिंह जी फौजी साहब पलसेड़ा, उनकी तरफ से 200 रुपये दिए गए इस गीत पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सत्येंद्र डीलर साहब नांगल, जी हाँ सत्येंद्र डीलर साहब नांगल, आपने भी राम मंदिर के इस गीत पर 100 रुपये का पुरस्कार दिया, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आदरणीय सज्जनों अंतिम कली की 2-3 लाइन है, मेरी नजर में अभी तक मैंने इसे पॉलिटिकल रंग नहीं दिया, लेकिन मेरी नजर में मेरी सोच में संभवतः एक ही बात आई, 2-3 आदमियों का मैं विशेष सहयोग मानता हूं और मैंने उनका धन्यवाद भी किया है। देखो जिसको लगे कि ये बिल्कुल 100% सच है, वो इन लाइनों को 3 लाइन सुनने के बाद मुझे तालियों का आशीर्वाद दे देना, जिनको ये लगे कि ना गलत लिखा है तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। आइए सुनिए अंत में कैसे। मोदी सरकार ने भी वायदा निभाया, कहे नर देव केस जल्दी निमटाया, मोदी सरकार ने भी वायदा निभाया, कहे नर देव केस जल्दी निमटाया। आगे की लाइन पे अब तालियां खुल जाए जिनको अच्छी लगे, क्या अरे मोदी योगी अमित शाह किया काम इनाम का, मोदी योगी अमित शाह किया काम इनाम का।
सारी दुनिया से पावन अयोध्या धाम। अरे कितने बरसों बाद फैसला आया काम का, कितने बरसों बाद फैसला आया काम का, जोरदार।